हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कम्पटिटिव टारगेट क्लासेस पे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बिहार एसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है और उसमें करेंट अफेयर से रिलेटेड 9 से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यदि 9 से 10 क्वेश्चन आप लोग को सही करके आना है, यदि सही टिक करना है तो हमारे वीडियो ज़रूर देखो। यहाँ से एक दो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, क्योंकि यहाँ पे करेंट अफेयर्स से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्ज़ाम करता है, उस सारे टॉपिक को, सेलेक्टेड टॉपिक को पे वीडियो बनाकर अपलोड किया जा रहा है, जिससे आप लोग का एक दो क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इससे पहले की वीडियो में आप जाकर देख सकते हो कि मैंने कुछ करेंट अफेयर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक डाल दी हूँ, जो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यदि आप बिहार एसएससी के एग्ज़ाम देने वाले हो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखो, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सारे सेलेक्टेड वीडियो ही डाले जा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो चलो हम अपने वीडियो की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। तो आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक बजट से है। बजट से एग्ज़ाम में आता ही आता है, जो कि 2022-23 का केंद्रीय बजट से है। तो चलो इसके सारे को टॉपिक को एक्सप्लेन में अच्छे से डिस्कस करती हूँ। इसे एक दो बार देख लोगे तो बहुत इजी रहेगा, आप लोग के दिमाग में बढ़िया से एडजस्ट हो जाएंगे, मतलब कि आप लोग सही करके आ सकते हो। तो चलो चलते हैं अपने वीडियो की ओर, जो कि बजट से है। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग को मैं बताऊँगी। पहले तो आप लोग को ये जानते ही होंगे कि वित्त मंत्री कौन है, जो कि है निर्मला सीतारमण। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो चौथी बार बन चुकी हैं, कितनी बार? चौथी बार, जो 1 फरवरी 2022 को पेपरलेस केंद्रीय बजट 2022 को संसद में पेश किया। कितने तारीख को पेश किया गया है? 1 फरवरी को पेश किया गया था, जो कि पेपरलेस केंद्रीय बजट था, पेपरलेस केंद्रीय बजट था जो कि निर्मला सीतारमण ने पेश किया था। वहीं दूसरा पॉइंट में बोला जा रहा है, 2022-23 के लिए कुल बजट का आकार 39.45 लाख करोड़ होगा, जो कि आजकल देखो कि एग्ज़ाम डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन सिर्फ डाटा को लेकर पूछता है, तो ये सारे डाटा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो यहाँ 39.45 लाख करोड़ है, इसे बढ़िया से देख लो। ये सारे क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि ये बजट किसने पेश किया, ये तो सब जान रहे हैं कि निर्मला सीतारमण ने पेश किया है, और पेपरलेस बजट होता है जो कि 1 फरवरी को पेश किया जाता है, ये तो सबको पता है। लेकिन एग्ज़ाम अब बहुत ही ये कंपटीशन टफ कर दिया है, जो अब डाटा से लेकर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि कुल बजट का आकार कितना था, तो आप बताओगे 39.45 लाख करोड़ है। वहीं नेक्स्ट है, इस बजट में अगले 25 साल के लिए भारत एट द रेट 100 के अमृतकाल में प्रवेश करते हुए 4 प्राथमिकताओं पर जोर दिया गया। तो यहाँ पे मैं सारे छोटे छोटे टॉपिक को आपको बताना चाहूँगी जो एग्ज़ाम आपसे करता है। जैसे कि यहाँ पे 25 साल के लिए भारत एट द रेट 100 के अमृतकाल में प्रवेश करते हुए 4 प्राथमिकताओं में विकास पर जोर दिया गया। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में, यहाँ पे ये डाटा देखना, ये आपको पूछा जाएगा कितनी प्राथमिकता दिया गया, तो 4। वहीं कौन कौन प्राथमिकता दिया गया है उसकी ओर चलते हैं। तो है, पहला है पीएम गति शक्ति, दूसरा समावेशी विकास, तीसरा उत्पादकता वृद्धि, निवेश, सनराइज अवसर, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्रवाई। क्या है तीसरा? उत्पादकता वृद्धि और निवेश, सनराइज अवसर, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्रवाई। वहीं चौथा निवेश की वित्तीय मदद। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, 25 साल के लिए 4 प्राथमिकता दिया गया। कितने दिया गया? 4, जिसमें फर्स्ट पीएम गति शक्ति है, सेकंड समावेशी विकास है, वहीं उत्पादकता वृद्धि और निवेश है, सनराइज अवसर है, ऊर्जा संक्रमण है, जलवायु कार्रवाई है, उसके साथ निवेश की वित्तीय मदद है। तो यहाँ पे सिर्फ अभी डाटा देखो, नॉर्मल क्वेश्चन तो सब जानते हैं, निर्मला सीतारमण ने पेश किए थे, चौथी बार ये वो पेश की थी जो, लेकिन यहाँ पे डाटा आप लोग को इम्पॉर्टेंट है, जो जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन
पिछले एग्जाम में भी क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसके आधार पे ये वीडियो बनाया गया है, जो कि आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लगा हो। और एग्ज़ाम देकर आओगे तो आप लोग को खुद पता चलेगा कि यहाँ से एक दो क्वेश्चन मिले ही होंगे आपको। चलो आगे पढ़ती हूँ। यदि आप लोग को पूछा जाए कि बजट का अनुमान कितना था, तो 34.83 लाख करोड़। वहीं संशोधित अनुमान 2021-22 का पूछा जाएगा तो 37.70 लाख करोड़। वहीं 2022-23 में कुल अनुमानित व्यय कितना था, 39.45 लाख करोड़। वहीं 2022-23 में उधारी के अलावा कुल प्राप्तियां कितनी थी, 22.84 लाख करोड़। यहाँ पे सिर्फ ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप डाटा को देखकर इग्नोर करते हो, लेकिन एग्जाम में जाते हो तो यही डाटा आपका एक दो नंबर कट कर देता है। इसलिए डाटा को बहुत यदि सही करके आना है बजट का क्वेश्चन, तो भाई डाटा तो याद करना ही पड़ेगा आप लोग को। वहीं प्रभावी पूंजीगत व्यय 10.68 लाख करोड़। जीडीपी की बात किया जाए तो 4.5 है। वहीं राजस्व घाटा के बारे में ये बढ़िया से देख लेना, राजस्व घाटा ये सब बहुत बार आते हैं। राजस्व घाटा 2021-22 पहले 2021-22 का देख लो, 10.88 लाख करोड़। वहीं 2022-23 का 9.9 लाख करोड़। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात किया किस चीज़ का भी जिक्र किया गया था, तो बजट का अनुमान क्या था, संशोधित अनुमान 37.70, 2022-23 का 39.45, 2022-23 का उधारी के अलावा कुल प्राप्तियां 22.84, वहीं प्रभावी पूंजीगत व्यय 10.68 लाख करोड़। वहीं राजस्व घाटा की बात किया जाए कि जो कि इम्पोर्टेंट है, तो ये 22-23 वाला देख लेना, 22-23 वाला 9.90 लाख करोड़। वहीं राजकोषीय घाटा की बात किया जाए तो 15.91 लाख करोड़ है। वहीं आगे की ओर बढ़ते तो देखते हैं राजकोषीय घाटा 2022-23 का, इसे तो रट के जाओ, ये आएंगे ही आएंगे राजकोषीय घाटा, ये बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि पिछले बार भी ये पूछा था बीपीएससी एग्जाम में। राजकोषीय घाटा 16.61 लाख करोड़, ये तो ऐसे भी याद हो जाएगा। देखो 16 का जस्ट अपोजिट पॉइंट के बाद कर दो 16.61 लाख करोड़, कैसे भी करके याद करना है, ट्रिकी वे में करो जैसे भी करो याद करना है। वही प्राथमिक घाटा, ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, 7.21 लाख करोड़ है, 7.21 लाख करोड़, जीडीपी का 2.8%। तो यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन तो मस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि राजकोषीय घाटा कितना है 16.61 लाख, प्राथमिक घाटा कितना है 7.21 लाख। तो ये ऐसे भी याद कर सकते हो, 7 के बाद पॉइंट को 3 से करो कितना आएगा 21, 16 को अपोजिट कर दो कितना आएगा 61, मतलब कैसे भी करके याद करो वहाँ पे बना कर आओ। तो राजकोषीय घाटा इंपॉर्टेंट रहने वाला, प्राथमिक घाटा कितना है 7.21। वहीं कुछ नोट्स मैंने लिखा था तो उसी को भी यहाँ पे ऐड कर दी हूँ कि आप लोग कैसे भी एग्जाम में सही क्वेश्चन करके आओ भाई, जैसे भी करके आना है नोट से करो, जैसे भी करो खुद से पढ़ाई करके करो, लेकिन सही करके आओ, एक सीट अपना नाम करो बिहार एसएससी में। बस मेरा मकसद यही है कि आपके नाम एक सीट हो जाए। तो चलो केंद्रीय बजट, यहाँ शॉर्ट्स कुछ शॉर्ट्स नोट्स बनाया था मैंने, उसे भी यहाँ पे डाल दी हूँ। तो देखो केंद्रीय बजट 2022-23 का जो निर्मला सीतारमण ने पेश किया था, वो लगातार चौथी बार था, जो मैंने अभी बताया, जो 1 फरवरी 2022 को पेपरलेस केंद्रीय बजट है। क्या है पेपरलेस केंद्रीय बजट है, जैसे कि मैंने अभी बताया। वहीं बजट का अनुमान देखो, यहाँ पे सिर्फ डाटा को मैंने डाला है, बजट का अनुमान कितना था 34.83 लाख करोड़। वहीं संशोधित अनुमान क्या था 37.70 लाख करोड़। यदि पूछा जाएगा भारत में वृद्धि दर कितना था, तो 9.2%, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यही थी। वहीं राजकोषीय घाटा जो मैंने अभी बताया 6.4% अनुमानित था, जो 16.61 लाख करोड़ है। यदि डाटा पूछा जाएगा तो 6.4%, लेकिन यदि वो पूछा जाएगा कि पूरा कितना है तो 16.61 लाख करोड़। यदि चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा तो 6.9%।
वहीं राज्यों का GSDP का परसेंटेज पूछा जा रहा, तो 4% घाटा। मतलब कि मैंने यहाँ पे डाटा ही कोई क्यों डाला, क्योंकि डाटा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। यदि बजट का क्वेश्चन रहेगा तो वो डाटा का ही क्वेश्चन रहेगा, इसलिए मैंने सारे डाटा को, सेलेक्टेड डाटा को यहाँ पे डाल दी हूँ। तो एक रिविजन कर लेती हूँ। निर्मला सीतारमन चौथी बार 1 फरवरी को, बजट अनुमान 34.83 लाख, वहीं संशोधित अनुमान 37.70 लाख, राजकोषीय घाटा 6.4%, 16.61 लाख करोड़, वहीं चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा 6.9%, राज्यों का GSDP पूछा जाएगा तो 4% घाटा, कितने प्राथमिकता दिया गया था तो 4 प्राथमिकता, 25 साल के लिए 4 प्राथमिकता दिया गया था। वहीं भारत एट द रेट 100 अमृतकाल में प्रवेश करते हुए, मतलब कि 25 साल में। फिर कौन कौन सा था, तो PM गति शक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता वृद्धि और निवेश, सनराइज अवसर, संक्रमण और जलवायु कार्रवाई, निवेश की वित्तीय मदद। वहीं PM गति शक्ति को बढ़ावा देने के लिए सात कारक दिए, कौन कौन, सड़क रेल मार्ग, हवाई मार्ग, विमान पतन, माल परिवहन, जल मार्ग, लॉजिस्टिक पार्क, अवसंरचना। ये सारे क्वेश्चन आएंगे। एक तो 7-4 प्राथमिकता देख लेना, वहीं 7 कारक देख लेना। फिर आएगा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कितने खुले हैं, तो 4। 2022-23 का अनुमानित व्यय कितना था, 39.45 लाख करोड़। प्राथमिक घाटा कितना था, जो कि मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया, 7.21 लाख करोड़। अगले 3 वर्षों में वंदे भारत रेलगाड़ियाँ कितनी है, 400। सर्वाधिक प्राप्तियाँ 2022-23 का स्रोत क्या था, उधार देयता। वहीं सर्वाधिक व्यय 2022-23 का स्रोत क्या था, ब्याज भुगतान। मतलब कि बजट से जितना भी क्वेश्चन है यहाँ पे देख लोगे तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से ही 1-2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो इसे देख कर जाओगे तो आपके 1-2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, आप सॉल्व इजीली करके आ जाओगे। इसे 1-2 बार देख लो, ईजी रहेगा। वहीं आप केन बेतवा लिंक परियोजना की बात किया जाए तो उसमें कितना खर्च हुआ था, 44,605 करोड़ रुपये। वहीं आर्थिक सर्वेक्षण को भी मैंने शॉर्ट नोट से यहाँ पे डाल दिया है, जो कि आप देख सकते हो एक नज़र यहाँ पे, क्योंकि इसे भी क्वेश्चन आते हैं जब बजट से पूछे गए तो आर्थिक भी सर्वेक्षण का थीम या कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन डाल ही देता है। तो देख लो आर्थिक सर्वेक्षण बजट से 1 दिन पहले पेश किया जाता है, ये तो सब जानते हैं, बजट से 1 दिन पहले भी पेश किए जाते भैया, जो 31 जनवरी 2022 को किया गया था, वो 1 फरवरी, तो ये 31 जनवरी। वही वन क्षेत्र में भारत 10वें नंबर पर है, वन क्षेत्र में पूछा जाएगा भारत का कितना नंबर है, तो 10वां नंबर है। मतलब कि ये शॉर्ट नोट्स मैंने तैयार किया था तो इसे भी अपलोड कर दी हूँ। जो कि सलाहकार, यदि आर्थिक सर्वेक्षण का सलाहकार पूछा जाएगा तो अनंत नागेश्वरम। वन में भारत 10th नंबर पे है। तैयार किया गया था किसने, संजीव सन्याल ने। किसने तैयार किया था, सलाहकार थे अनंत नागेश्वर, लेकिन तैयार किया गया था संजीव सन्याल ने। वही थीम क्या था, त्वरित दृष्टिकोण। भारतीय अर्थव्यवस्था 2021-22 में बढ़ने का अनुमान कितना था, 9. वहीं आर्थिक सर्वेक्षण की बात किया जाए तो आर्थिक सर्वेक्षण 2025 तक भारत के $5 ट्रिलियन था, जो कि आगे मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे सारा डाल दिया कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2021-22 में बढ़ने का अनुमान 9.2% है, 9.2% है। वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था 2022-23 में बढ़ने का अनुमान 8-8.5% है। आर्थिक सर्वेक्षण में 2025 तक भारत के $5 ट्रिलियन के GDP के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए $1.4 ट्रिलियन खर्च करने की आवश्यकता है। वहीं ये वाला क्वेश्चन तो भाई याद करके जाना, जो प्राथमिक क्षेत्र जिसे कृषि कहा जाता है तो 3.9% का अनुमान लगाया गया है। द्वितीयक क्षेत्र जो कि उद्योग के से है तो 11.8 के लगाया गया। वहीं सेवा क्षेत्र की बात किया जाए तो 8.2 वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। ये तो आप लोग को भी पता होगा प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक कितने इंपॉर्टेंट है। तो प्राथमिक कृषि 3.9, उद्योगी 11.8 और सेवा क्षेत्र 8.2% की वृद्धि है। वही पूछा जाएगा यूनिकॉर्न स्टार्टअप कितने हैं, तो 83। सालाना आधार पर वृद्धि कितना हो रहा है, तो 13.5%। फिर यदि पूछा जाएगा 2021-22 में CPI संयुक्त मुद्रास्फीति परसेंट 5.2%, वही थोक मूल्य सूचकांक के बारे में पूछा जाएगा तो 12.5,
यदि पूछा जाएगा आपको 2022-23 का राजकोषीय घाटा कितना है, तो GDP 6.8%, फिर हर घर जल का जिला कितना था, तो 83, उपभोक्ता मुद्रास्फीति 2021 में कितने थे, तो 5 दिसंबर तक था जो 5.6% था। तो यहाँ पे मैंने सारे नोट्स को यहाँ पे डाल दी हूँ, ऐसे सारे डाटा यहाँ पे देख लो एक बार रिविजन के तौर पे, जो आप लोग को ईजी पड़ेगा, और इसे देख कर ही जाना दोस्तों, क्योंकि आप यदि सही करना है, सही नंबर बनाना है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बजट से पूछता, बजट अनुमान 2021 में 34-83, संशोधित अनुमान 37-70 लाख करोड़, 2022-23 39.45 लाख करोड़, 22-23 में उधारी के अलावा कुल प्राप्ति 22.84 लाख करोड़, प्रभावी पूंजीगत व्यय 10.68 लाख करोड़, GDP का 4.1, राजस्व घाटा 2021 का 10.8, ये देख लेना, 22-23 का 9.9 लाख करोड़ राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा 15.91 करोड़, जो कि अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये दोनों देख कर जाओ, कुछ देखो या नहीं भाई, इस राजकोषीय घाटा 16.61 लाख करोड़, ये इंपॉर्टेंट है, मैं प्राथमिक घाटा की बात की जाए तो 7.21 लाख करोड़। तो बजट वाला क्वेश्चन देख कर जाना, आई होप सो आपका एग्ज़ाम भी अच्छा जाए, तो अच्छे से एग्ज़ाम दे कर आओ, यहाँ पे जो भी एग्ज़ाम में बना कर आओगे यहाँ पे आंसर की अपलोड कर दिए जाएंगे, आप लोग मिला लेना 150 में, कम से कम 100+ सही करके आओ दोस्तों। थैंक यू सो मच।